नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। दोस्तों, सुरन की सब्जी बनता है, यह सब आप लोगों को पता है और आप लोग खाए भी होंगे, लेकिन सुरन का पेड़ का सब्जी भी बनता है, शायद ये बात आप लोगों को नहीं पता। और दोस्तों ये देखिए, यह अपना सुरन की खेत है और देख पा रहे होंगे सारे सुरन की पेड़ नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ है, क्योंकि कल रात को बारिश के साथ तेज़ी तूफान आया था और ये सब उस तूफान के नतीजा है, तेज़ी हवा का नतीजा है। और ये तेज़ी तूफान के वजह से दोस्तों एक बड़ा सा सुरन की पेड़ टूट गया है, जो अभी वो बेकार हो जाएगा, इसलिए उसी पेड़ को आज काट के लेके जाके उसका सब्जी बनाएंगे। तो दोस्तों ये देख पा रहे होंगे कितना बड़ा एक सुरन की पेड़ टूट गया है, आज इसी को काट ले जाएंगे। इतना बड़ा पेड़ है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले जितने का सब्जी बनेगा उतना काट लेंगे और बाकी का फेंक देंगे। और दोस्तों उसे काटने से पहले हाथ में थोड़ा तेल लगा लेंगे। फिर उसे कुछ इस तरह छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। दोस्तों अब हमने उसे चार टुकड़े में काट लिए हैं और अब इसका छिलका निकाल देंगे कुछ इस तरह। अब सारा छिलका निकालने के बाद उसे छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। अब आपके हिसाब से काट सकते हो छोटा या बड़ा। आप छोटा काटो या बड़ा काटो, ये पीस के हिसाब से नहीं रहेगा, क्योंकि ये कारी में मिल जाता है। फिर उसमें डालने के लिए एक आलू भी काट लेंगे। अब सब्जी बनाने के लिए चूल्हा जलाएंगे। और उसे अच्छी तरह से धो के कढ़ाई में डालेंगे।
फिर कढ़ाई में थोड़ा पानी के साथ नमक और हल्दी डाल के थोड़ी देर के लिए एक प्लेट से कवर कर देंगे। और जब वो उबल जाए उसे एक प्लेट को निकाल लेके कढ़ाई में जो पानी होगा उस पानी को निकाल देंगे। और दोस्तों पहले से हम थोड़ा चने को पानी में भिगो के रखे थे वो कढ़ाई में डाल देंगे और वो कटे हुए आलू को भी। फिर इसमें थोड़ा नमक और जो उबल के रखे थे हमने सूरन के झाड़ के टुकड़े को वो भी इसमें डाल के थोड़ी देर के लिए फिर से एक प्लेट से कवर कर देंगे। और दोस्तों ये उबलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा और उसी बीच हम लोग उसके लिए सारे मसाले तैयार कर लेंगे। ये प्याज और टमाटर है और ये अदरक लहसुन है। फिर ये सब जब उबल जाए उसे फिर से एक प्लेट को निकाल लेंगे। और दोस्तों चिकन करी के लिए जैसा मसाले तैयार करते हैं इसके लिए भी वैसा ही मसाले तैयार करा लेंगे। और जब मसाले तैयार हो जाए वो सारा कढ़ाई में डाल देंगे जो जो हमने उबल के रखे थे। दोस्तों अब बन चुका है हमारा सूरन पेड़ का सब्जी और ये बहुत ही स्वादिष्ट है दोस्तों। और आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका रेसिपी का आप लोगों को कैसा लगा। और मिलते हैं फिर एक नया वीडियो के साथ, तब तक रहते हैं बाय बाय।